दिग्गज शहर में हाल ही में स्वच्छंद विहार करने वाले सुअरों का बंदोबस्त किया गया है। वहीं अब शहर में घूमने वाले आवारा पशुओं के बंदोबस्त के लिए तैयारी चल रही है। इस बाबत नगर पालिका के मुख्याधिकारी माधुरी मड़ावी ने आवारा पशुओं के मालिकों से आह्वान किया है। पेश है दिग्गज संवाददाता जुबैर खान की यह खास रिपोर्ट। दिग्रज शहर में विश्व शांति नगर, शास्त्री नगर, सूरज नगर, विठल नगर सहित कृषि उपज बाजार समिति के मार्केट यार्ड से आए दिनों सुअरों के स्वच्छंद विचरण से लोग परेशान थे। इस संदर्भ में स्थानीय पालिका प्रशासन को कई बार ज्ञापन के जरिए शिकायतें भी सौंपी गई थी, लेकिन इस बारे में उस वक्त पालिका ने कोई पहल नहीं की थी। ऐसे में नगर पालिका मुख्याधिकारी का चार्ज संभालते ही मुख्याधिकारी माधुरी मड़ावी ने कर्नाटक के हुबली से सुअर पकड़ने वाली टीम को बुलाकर इस समस्या का निवारण किया है। गुरुवार को विश्व शांति नगर कृषि उपज बाजार समिति यार्ड सहित विभिन्न इलाकों से करीब 150 से अधिक सुअरों को पकड़ा गया है। वराहांचा जो विषय आहे, इथे खूप सारे लोक वराह पालनाचा व्यवसाय करतात, परंतु त्याच्यामुळे लोकांना, नागरिकांना त्याचा खूप त्रास आहे। कोणाच्या घरात, शेतात किंवा इकडे तिकडे आणि मोकळ्या जागेमध्ये फिरून ते म्हणजे खूप त्रास देतात लोकांना। आणि म्हणून मग आम्ही काल कर्नाटकावरून म्हणजे हुबळीवरून एक टीम बोलवली होती। ते सगळे लोक आले आणि त्यांनी जवळपास 150 वराह पकडून घेऊन गेले। याच्यानंतर पुन्हा आम्ही 15 दिवसांनी किंवा 1 महिन्यानी परत ती टीम बोलवणार आहोत आणि उरलेले सगळे वराह आम्ही ते म्हणजे घेऊन जाणार आहोत। म्हणजे ही सोपी आहे, म्हणजे सोपं जाते वराह पकडायला। शहर में भले ही स्वच्छंद विहार करने वाले सुअरों का बंदोबस्त किया गया हो, लेकिन शहर के गली मोहल्ले और चौक चौराहों पर आवारा पशुओं का राज है। शहर की प्रमुख सड़कों के बीचों बीच आवारा पशुओं के झुंड नजर आते हैं। इन आवारा पशुओं के मालिक इन्हें खुला छोड़ देते हैं। सूत्रों ने बताया कि बीते वक्त में जब पालिका द्वारा इन आवारा पशुओं पर कार्रवाई की जाती, तब कोई ना कोई पार्षद या जनप्रतिनिधि हस्तक्षेप कर आवारा पशुओं को छुड़ा लाता था, जिस वजह से आवारा पशुओं की मालिकों का आत्मविश्वास दुगना होकर उनकी लापरवाही बढ़ती चली जाती थी। बहरहाल आवारा पशुओं की समस्या के बारे में मुख्याधिकारी माधुरी मड़ावी ने आवारा पशुओं के मालिकों से अपने पशुओं की व्यवस्था करने का आह्वान करते हुए चेतावनी दी है कि अगर इस बात को हल्के में लिया गया तो मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ेगी। आता सगळ्यात महत्त्वाचा विषय म्हणजे मोकाट जनावर जे गाय बैल बाहेर पडतात, तर आता आम्ही याद्वारे नागरिकांना आवाहन करते की ज्यांचे मोकाट जनावर आहेत किंवा ते रस्त्यावर जे बांधतात, त्यांनी आपल्या गोठ्यां गायीच्या गोठ्यांमध्ये मोकाट जनावर बांधावे, नाहीतर मग नगरपालिकेकडून आम्ही ते मोकाट जनावर पकडून घेऊन आमच्या कोंडवाड्यामध्ये आम्ही बंदिस्त करणार आणि मग त्यांच्यावर फाईन करू। कुल मिलाकर माधुरी मड़ावी के एक्शन मोड में आने से न सिर्फ शहर की अतिक्रमित नालियां और शहर के रास्तों की समस्या दूर हो रही है, बल्कि शहर में आवारा सुअर, आवारा कुत्ते और आवारा पशुओं का जो बंदोबस्त किया जा रहा है, उसे गौर से देखा जाए तो आवारा पशुओं के बंदोबस्त की यह मुहिम शहर के नागरिकों को अपने नागरिक कर्तव्य और जिम्मेदारी की सीख भी दे रही है। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।